आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू शेयर फोल्डर। इससे फ़ायदा क्या क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। शेयर फोल्डर से आप एक नेटवर्क पे एक कोई सिस्टम को सर्वर बना दीजिए और वहाँ से आप पूरे ड्राइव को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि एक सर्वर पे सब कुछ आप डाटा रख सकते हैं और उसे कोई भी एक्सेस कहीं से भी कर सकता है, उसका कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है और बार बार पेन ड्राइव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं कैसे कैसे यूज़ किया जाता है ये मैं बता दूँ। चलिए जाऊँगा अपना मैं कंप्यूटर पे। तो मैं आपको बता दूँ, चलो मैं अपना पूरा ड्राइव भी शेयर कर देता हूँ, सो फोल्डर भी कर सकते हो ड्राइव पे। तो मैं अपने कंप्यूटर के ई पे गया, प्रॉपर्टीज पे गया, यहाँ पर आता है शेयरिंग, यहाँ पर एडवांस शेयरिंग, यहाँ पे क्लिक करना है और ये शेयर प्रॉपर्टीज है, शेयर दिस फोल्डर, इस पर ओके करना है और अप्लाई कर देना और ओके। फिर मैं अपने इस ड्राइव को भी शेयर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे गया प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे शेयरिंग पे गया, एडवांस पे गया, यहाँ पे अप्लाई ओके। कैसे पता चल रहा है कि दोनों शेयर हो गया? ये देखो, ये जो साइन है दोनों पे, इसका मतलब फोल्डर शेयर हो गया। अब हमें पता करना है कि इस सिस्टम का आईपी क्या है। इसके लिए हम लोग जाएंगे विंडो प्लस आर सीएमडी पर लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आईपी का पी। यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रिंटर में गलती से बता दिया थे, ये फिजिकल एड्रेस नहीं है, ये आपके पब्लिक आईपी है, जो आईपी पे वो है। ये हर सिस्टम पर अलग अलग होता है। ये आईपी आप जिस सिस्टम पे बैठे हो वहाँ पे ये आईपी डाल रहे हो, इसमें जो जो शेयर किए आप हमें शो करने लग जाएंगे 192.168.100.3। चलिए, मेरे पास एक दूसरा वर्चुअल सिस्टम, वर्चुअल बॉक्स पे अलग से है स्नैक्स भी, मुझे अब इसको दिखाता हूँ। इस पर 192.168.100.3। यहाँ पर उस आदमी के जो यूज़र आईडी है वो आपको डालना पड़ जाएगा। ये देखो, मैंने उसमें जितने फोल्डर शेयर किया था वो फोल्डर आ गया इस पे, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर पे ये जो है कनेक्टिफाई, इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये क्या हुआ, एरर डिलीटिंग दिस फाइल फोल्डर, इसको एक्सेस नहीं, इसको परमिशन नहीं है, ये खाली रीड कर सकता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ओके। तो इसको परमिशन देने के लिए फिर से मैं जाऊंगा अपने उस डेस्कटॉप पे जिस पे है उस सिस्टम पे, और ये जो मेरे फोल्डर हैं इस पर फिर से राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, फिर शेयरिंग में जाऊंगा, फिर एडवांस शेयरिंग में जाऊंगा, और ये जो परमिशन है यहाँ पर देखो आप, कंट्रोल है, फुल कंट्रोल मैंने अब उसे दे दिया। अब वो कुछ भी कर सकता है, इस पर डिलीट कर सकता है, इसमें भी कर देता हूँ, ये परमिशन है, यहाँ इसे फुल कंट्रोल दे दिया। अब दिखाता हूँ आपको, इसे डिलीट करके देखता हूँ ये होता है कि नहीं। ये देखो, ये डिलीट हो गया, इसका मतलब मुझे फुल कंट्रोल है
अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं शेयर फोल्डर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैपिंग किसको बोलते हैं। मैपिंग भी सेम ही है, लेकिन इसके इसमें आईपी नहीं डालना पड़ता, इसमें वो पाथ डालना पड़ता है। चलिए मैं ये आपको बताता हूँ। पहले से आप जिस फोल्डर को शेयर किए हैं उसका मैपिंग एड्रेस देखिए, उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, यहाँ पर देखिए शेयरिंग पे जाइए, यहाँ पर उसका एड्रेस है /forward/bio/app। चलिए अब मैं चलता हूँ उस पर अपने सिस्टम पे, यहाँ पर फिर विंडोज़ आर शॉर्टकट जो है इसका, यहाँ पर /forward/ लिखते हैं, बायो लिखते हैं, /forward/app लिखते हैं। ये देखो उस फोल्डर पर जो जो मैंने शेयर किया था वो सारा आ चुका है, और मैंने पिछला जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर डिलीट किया था वो अब शो नहीं कर रहा है। तो ये है शेयरिंग और मैपिंग। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर हफ्ता ऐसे अलग अलग वीडियो लाऊंगा और सिंपल हिंदी भाषा पे लाऊंगा जो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।